निकटवर्ती बड़ थाना क्षेत्र के धूलकोट गांव में एक युवक की पीट पीट कर हत्या करने के मामले ने मंगलवार को तूल पकड़ लिया। मंगलवार को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मोर्चरी पर एकत्रित हुए मृतक के परिजन तथा समाज के लोगों ने हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार करने, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने तथा मृतक के परिजनों को उचित मुआवजे की मांग को लेकर मृतक का पोस्टमार्टम नहीं करवाने पर अड़ गए। इस दौरान परिजन हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार करने व उचित मुआवजे की मांग को लेकर नारे लगा रहे थे। हालांकि बड़ थाना पुलिस ने हत्यारों के खिलाफ 302 में मामला दर्ज कर जांच में कार्यवाही शुरू कर दी है। उधर पुलिस ने परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पंचनामा तैयार कर शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश अंतिम संस्कार हेतु परिजनों के सुपुर्द की। जानकारी के अनुसार पीपलिया खुर्द निवासी 19 वर्षीय दशरथ पुत्र मोहनलाल बाबरी गुजरात के राजकोट में पेंटिंग का काम करता है। दशरथ 15 मार्च को गुजरात से अपने गांव पीपलिया खुर्द आया था। जानकारी मिली है कि सोमवार को गुजरात में उसके साथ पेंटिंग करने वाले उसके दो साथियों ने उसे फोन कर धूलकोट हाजीवास बुलाया था। दोस्तों के बुलावे पर दशरथ धूलकोट बाइक पर सवार होकर पहुंचा था। दोपहर को दशरथ के परिजनों को सूचना मिली कि धूलकोट में कुछ लोग उसे बुरी तरह से पीट रहे हैं। इस पर परिजन मौके पर पहुंचे तो दशरथ उन्हें घायल अवस्था में मिला। परिजन उसे उपचार हेतु लेकर बड़ चिकित्सालय पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे ब्यावर के लिए रेफर कर दिया गया। ब्यावर में उपचार के दौरान सोमवार देर रात को दशरथ ने दम तोड़ दिया। मारपीट के बाद युवक की मौत की जानकारी मिलते ही बाबरी समाज के लोगों में रोष फैल गया और मंगलवार सुबह बाबरी समाज के लोग एक मोर्चरी पर जमा हो गए। यहाँ पर जमा हुए समाज के लोग हत्यारों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने तथा मृतक के परिजनों को उचित मुआवजे की मांग करने लगे। मृतक के निकट रिश्तेदार जबराराम बावरी ने बताया कि पेपलिया खुर्द निवासी भीलाराम गुर्ज, अशोक गुर्ज तथा दो अन्य लोगों ने दशरथ के साथ बैरहमी के साथ मारपीट, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। जबराराम ने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने तथा परिजनों को उचित मुआवजे की मांग की है। मंगलवार सुबह बड़ थाने के एसआई कैलाश सिंह ने पंचनामे की कार्यवाही कर शव का पोस्टमार्टम करवा कर लाश परिजनों के सुपुर्द की। इस बच्चा को कोई फोन करके, इसके दोस्त थे बाहर रहने के वाले, राजकोट में कल का काम करते हैं, तो इसको फोन करके बुलाया वहाँ, और बुलाने के बाद में इसके साथ में घटना की गई है। घटना के मामले में घर वाला को कोई पता नहीं था, फिर समाचार होने के बाद में पता मिला है। तो पता मिलने के बाद में गांव में संदेश मिला कि भाई तुम्हारा बच्चा वहां गया, वहां मारपीट हुई है। समाचार मिले तो गांव के लोग, हमारा भाई लोग हमचार हुए। हमचार होने के बाद में इधर फोन पान हुआ, फोन पान के लिए माध्यम से गया तो हकीकत में वहां गए मौका पे, तो मौका पर वास्तव में मारपीट जबरदस्त है। उसको नगा करके पीटा था और इतना पीटा कि कोई बुरी हालत से पीटा उसका कोई, और बच्चा वो इतना ईमानदार है, वहाँ कभी गाँव के अंदर किसी कोई बात की उसको विवाद नहीं था, किसी बात को किसी बच्चा से वो लड़ता भी नहीं था। लेकिन उसके साथ में क्या हुआ, वो क्या काम कर, हमारी मांग तो आपसे, सरकार से, पत्रकार मीडिया से धन्यवाद, आपको यही मांग है कि 3-4 आदमियों को इतनी कड़ी सज़ा, वो जो उसके साथ में मारपीट की है, उसने मारा है, तो उस आदमी 19 आदमियों को इतनी सज़ा कड़ी होनी चाहिए ताकि सबक मिलनी चाहिए समाज के। इसमें ये मारपीट करने वाले कौन थे, ये एक अलग जात का गुजुर्ग का नाम बता रहा है, धर्माराम गुजुर्ग का नाम आ रहा है, और 3 आदमी हमारे समाज का ही है। लाल बजे घड़ियाल भला झूलेलाल, ओ लाल बजे लाल बजे घड़ियाल भला झूलेलाल, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर, टमाटम मस्त कलंदर, लाल दा पहला नंबर, सखी शहबाज कलंदर, ओ मस्त ओ मस्त कलंदर, लाल मेरी हो लाल मेरी।